हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विधायकों और सांसदों की पेंशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये नोटिस जनहित याचिका की सुनवाई पर जारी किया गया है। अधिवक्ता अपूर्वा जैन ने दिसंबर 2020 में दायर जनहित याचिका के जरिए कहा था कि विधायकों और सांसदों को पेंशन की पात्रता के लिए कोई न्यूनतम कार्यकाल तय नहीं है। जो एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन जाता है उसे भी जीवन भर पेंशन दी जाती है, जबकि पेंशन केवल उन्हीं सांसद और विधायकों को दी जानी चाहिए जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। लिहाजा पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम कार्यकाल तय होना चाहिए, क्योंकि सांसदों और विधायकों को जो पेंशन दी जाती है वो करदाताओं से लेकर दी जाती है। देश भर में 4000 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है और पेंशन के पात्र बन चुके हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। जो पिटीशन लगी है इंदौर हाईकोर्ट में, उसमें ये चैलेंज किया गया है कि एटलीस्ट एमपीज और एमएलएज ऑफ मध्य प्रदेश उनका टेन्योर 5 ईयर्स फिक्स होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि पेंशन अगर लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें कुछ सर्विसेज वो दे, इन लीव ऑफ सर्विस दे कैन गेट पेंशन। अगर एक दिन के लिए भी एमपी या एमएलए बन जाते हैं और रिजाइन कर देते हैं और उनका ये इसमें ये प्रोविजन है कि वो होल लाइफ दे आर एंटाइटल टू गेट पेंशन, जो कि गलत है। इसको चैलेंज किया गया है इंदौर हाईकोर्ट में और मल्टीपल पेंशन के अगेंस्ट भी चैलेंज किया गया है। इन लोगों ने ये प्रोविजन बनाया है सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 8A3 में लिखा गया है कि दे आर एंटाइटल टू गेट मल्टीपल पेंशन आफ्टर देयर ऑफिस। तो मल्टीपल पेंशन तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को मल्टीपल पेंशन मिलती ही नहीं है, तो वाई दे आर गेटिंग मल्टीपल पेंशन, ऐसा है। तो इसके अगेंस्ट भी इसको भी चैलेंज किया गया है इंदौर हाईकोर्ट में। नोटिस इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट और विधानसभा सेक्रेटरिएट ऑफ मध्य प्रदेश। आपने सी देखिए, ये तो टैक्स पेयर का मनी है, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, और हम इनकी स्पेशल प्रिविलेजेस के लिए, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं। जो जेन्युइन ये पेंशन लेते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट विद दैट। सर्विस दीजिए, 5 ईयर सर्विस दीजिए, पेंशन लीजिए, उसके हम अगेंस्ट नहीं है। पर अगर एक दिन के लिए भी काम करते हैं, रिजाइन कर देते हैं एंड दे आर एंटाइटल टू गेट पेंशन फॉर होल लाइफ, ऐसा तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। लॉ मेकर से ये किसी के लिए भी लॉ इन्होंने ऐसा नहीं बनाया है। सो वाई दे आर मेकिंग दिस अनफेयर लॉ फॉर देमसेल्व्स। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए देखें या स्टेट के लिए देखें, सबको एनपीएस में डाल दिया है और उनकी जो पेंशन है, जैसे म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ऐसे अभी उनकी पेंशन इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क हो गई। उनको तो इन्होंने रिस्क में डाल दिया है। इसका रीजन ये दिया है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट के पास या अभी भी इतना पैसा नहीं है कि सबको ओल्ड एज पेंशन में, सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दे और उतना पैसा दे दे, इसलिए एनपीएस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो वाई दे आर नॉट टेकिंग कॉल फॉर देमसेल्फ, मल्टीपल पेंशन भी ले लेंगे, फाइव एक दिन के लिए भी अगर एमपी बन गए तो होल लाइफ एंटाइटल, दे आर एंटाइटल टू गेट पेंशन, ये गलत है। इसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया है हाईकोर्ट। आने वाले समय में क्या निर्णय हो सकता है, क्या उम्मीद की जा रही है? जी सर, देखिए मैं तो उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छा जजमेंट ही आएगा। भाई हम ये तो नहीं बोल रहे कि आप पेंशन लीजिए ही मत, टेक पेंशन, पर उसमें कुछ कंडीशन फिक्स कीजिए। पेंशन जो है वो हमेशा कंडीशन और कंसिडरेशन पे बेस्ड होती है, होनी भी चाहिए और होती है। पेंशन ऑलवेज बेस्ड ऑन सम कंसिडरेशन एंड कंडीशंस। यहाँ जो प्रोविजंस है उसमें कंडीशन है ही नहीं, प्रिविलेजेस है, पुट सम कंडीशन, पेंशन लीजिए, कुछ कंडीशन तो रखिए, ऐसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।